दोस्तों कैसे हो आप सभी, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट पर्पस। और भाई आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी की हैवी डिमांड पे मैं फिर से हिडन प्लेस जाने की इस पॉइंट जाने वाला था। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आपने टाइटल और समझ देख ही लिया होगा भाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि गौरव भाई आप जो है हिडन प्लेस पे जाओ, हिडन प्लेस पे जाओ, वो भी जेट पैक लेके। मैं चला जाऊंगा जा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में वही करने वाला था। और भाई मेरे को दोस्तों वहाँ पे जो है आपने जैसे टाइटल सामने में देखा होगा कि भाई मुझे दोस्तों वहाँ पे जो फ्लेयर गन भी मिलती है, तो बस आप देखते जाना इस वीडियो में, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सही बता रहे भाई, बिल्कुल। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने मेरे को ये भी बोला था कि भाई जेट पैक लेके जाओ और भाई वहाँ पे जाके ना वहाँ से रिटर्न आके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ना ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि दोस्तों जेट पैक से जाना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि उसको कोई भी आसानी से जा सकता है और सर्वाइव करके आ सकता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भाई अगर इस चैलेंज को कठिन बनाना है तो क्यों ना दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पे जो है मेका रोबोट लेके जाना चाहिए इस पॉइंट पे, और भाई वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अगर मैं वहां उसको लेके जाता हूँ और भाई रिटर्न आ जाता हूँ, सर्वाइव कर लेता हूँ, तो भाई वो एक सही में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों वो जो है मैं किसी दूसरी वीडियो में करूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो चैलेंज आप लोगों ने बोला है भाई इसको मैं पूरा करता हूँ, और उसको दोस्तों यहाँ पे जो है देखते हैं इस वाली वीडियो में जब मैं जाता हूँ तो भाई मेरे साथ क्या होता है। अब फिलहाल दोस्तों मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि भाई यहाँ पे दोस्तों या तो मैं स्टील कार पे उतरूँ, ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो है मैं असेंबली बेस पे उतरूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने डिसाइड करा मैं जो है असेंबली बेस पे उतरूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ उतरूंगा तो मेरे को दो फायदे होंगे। एक तो दोस्तों यहाँ पे जो हो सकता है बंदे कम आएंगे, प्लस दोस्तों वहाँ पे भी जो है मेरे को इजिली जेट पैक मिल जाता है, और वहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को बता दूँ पेटी में ना रिस्पॉन कार्ड मिल जाता है, मतलब वहाँ पे ट्रेजर्स होती है जहाँ पे दोस्तों आपको इजिली रिस्पॉन कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों मेरा प्लान ये था कि भाई मैं जो है असेंबली बेस पे जाऊंगा और वहाँ पे दोस्तों अगर कोई बंदा आएगा तो उसकी चोटी रगड़ के फटाफट से जेट पैक उठा के, क्या बोला तूने, जेट पैक यार मैं उसको मैं जेट पैड पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ, तो जो भी है मतलब ठीक है भाई उसको उठाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सीधा हिडन प्लेस निकल जाऊंगा चूरन की स्पीड से स्पॉनलैंड पे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा प्लान तो यही था, और अब देखना दोस्तों यहाँ पे ये था कि क्या इस वाले मैच में मैं ये वाला प्लान सक्सेसफुल कर पाऊंगा, और भाई क्या मैं दोस्तों यहाँ पे जो है हिडन प्लेस जाके वहाँ से सर्वाइव करके चिकन डर निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता हूँ, तो बस आप देखते जाना। अब फिलहाल दोस्तों जब मैं यहाँ पे कूद रहा था तो मुझे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, मैंने कहा चलो भाई मस्त लूटा पार्टी करेंगे और यहाँ से दोस्तों जेट पैक उठाएंगे और भाई यहाँ से दोस्तों जो है हिडन प्लेस के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं कूदता हूँ ना तो अब देखना बस कूदते क्या होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं कूदा तो भाई मेरे को ऊंची पूंजी तो गॉड गन मिल गई, और भाई बंदा मिल गया आते ही भाई पीछे पीछे आता मेरे डॉक्टर बैड बॉय, अब बच्चा बेटा लोबी भी गुड बॉय। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इसको मैं मारता हूँ और भाई साहब इसको तो रिकॉल विकॉल कुछ भी नहीं लगा, चिड़ गया होगा भाई सीधा गेम खत्म इसका लोबी में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। अब फिलहाल दोस्तों मैं इसी ट्रेजर की बात कर रहा था, यहाँ पे ना छोटी छोटी ट्रेजर है तो इनके अंदर दोस्तों आपको रिस्पॉन कार्ड भी मिल जाता है, अगर इसको बंदे को मिल जाता तो इसको भाई एक जीवन दान और मिल जाता, और हो सकता है ये भी इसलिए यहाँ पे आया होगा ताकि दोस्तों यहाँ पे जो इसका इवेंट पे हो सकता है गेम लैग करता होगा, बहुत सारी चीज होती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है लूटा पार्टी करे जा रहा था, और अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो एक और बंदा आता है भाई साहब ये तो नीचे कूद गया, मैंने कहा इसको मारना पड़ेगा फटाफट से। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको वही फटाफट से मारने जाता हूँ, और भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो इसको मार देता हूँ, और भाई जैसे इसकी पेटी खोलता हूँ उसके अंदर मिल जाता है मेरे को जेट पैक, मतलब भाई मैंने कहा अरे भाई साहब फाइनली जेट पैक मिल गया भाई, इस बंदे ने भाई नीचे लूटा पार्टी करी होगी और आते इसको जेट पैक मिल गया था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं ऊंची पूंजी तो गॉडगन को फेंके मारता हूँ, यम 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 पे उठाता हूँ, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को जेट पैक तो मिल गया था। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैं जो है ना सोच रहा था कि बस मेरे को रिस्पॉन कार्ड और मिल जाए, जो मैंने आप लोगों को बताया छोटे छोटे ट्रेजर में मिलता है तो मैं वही ढूंढ रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैं जेट पैक लेके जो है हिडन प्लेस जाने की पॉइंट जाऊंगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो है मेरी तलाश हुई जा रही थी, और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं भाई थोड़ी बहुत हेल्थ भी लूटा पार्टी कर रहा था, क्योंकि आपको पता है भाई कई बार वहाँ पे जो है हेल्थ कम मिलती है और कई बार बहुत ज्यादा मिलती है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं डब्बे खोल रहा था और मैं चेक करता भाई फटाफट से मिलता मेरे को रिस्पॉन कार्ड मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को तो कहीं भी रिस्पॉन कार्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को ऑक फॉक मिली। तो भाई मैंने कहा चलो भाई पहले ऑक फॉक को उठाते हैं, क्योंकि ये ACE 32 गन जो है ना मेरे को इतना पसंद है नहीं, तो भाई मैंने ऑक उठाया और यम 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 उठाया, और मेरे को डर ये था कि भाई आसमान से कोई और बंदा ना टपक जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना बंदे कभी भी टपक जाते हैं, मतलब इवेंट से मरते हैं, मतलब स्टील आर्क से मरते हैं और यहाँ पे आके कूद जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ऐसा तो मुझे कोई दिखा नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे को यहाँ पे लाल बिंदु मिल गया था, तो मैंने भाई फटाफट से उसको उठाया और होलो को फेंक के मारा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारी हेल्थ है और यहाँ पे भी काफी अच्छी लूट है, ठीक है, मतलब अगर आप सोलो खेल रहे हो ना तो आप डायरेक्ट यहाँ भी उतर सकते हो, जरूरी नहीं आपको स्टील गार्ड पे उतरने की, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, हाँ बस ये है कि यहाँ पे आपको रिस्पॉन कार्ड ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं भी बस वही ढूंढ रहा था, और भाई लूट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लूट यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और वहाँ पे भी काफी अच्छी मिल जाती है, वहाँ पे आपको दो तीन एडवांटेज है, एक तो आपको पता चलेगा कि बंदे कितने बचे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, तो भाई ये एक चीज है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को असेंबली बेस गेट मिल गया था, मतलब ठीक है उसका मतलब कुछ मिल गया था, सीक्रेट रूम का गेट मिल गया था,
एक्सेस कार्ड मिल गया था, तो मैंने कहा चलो भाई उसको भाई खोलते, लेकिन उससे पहले भाई अनबॉक्सिंग में गार्ड गन मिल जाती है मेरे को। मैंने कहा अरे भाई अब तो मेरे टिकट रोगा, मतलब भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे कितनी तगड़ी तगड़ी लूट है। फिलहाल दोस्तों अब मैंने कहा चलो भाई जो है फटाफट से कमलेश की हरी वाली गोलियां उठाते हैं। और भाई आप में से बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोल रहे होंगे कि गौरव भाई आपने तो बोला था कल वीडियो डालोगे, कल क्यों डाली। तो भाई जो भी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा भाई कल मेरे साथ कितना बुरा सीन हुआ, मतलब भाई मैं क्या बताऊं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो भाई आपको वो चीज पता चल जाएगी छोटी छोटी जो मैं जो है कभी कभी शेयर कर देता हूं अपनी ऑडियंस के साथ में। तो भाई आप प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिन्होंने नहीं करा हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने जो है कल वीडियो क्यों नहीं डालती। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को असेंबली बेस का एक्सेस कार्ड तो मिल गया था, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है मैं रिस्पॉन कार्ड ढूंढ रहा था, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो अगर मैं गलती से मर जाऊँ तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं रिवाइव हो जाऊँ ठीक है अपने आप ही। लेकिन दोस्तों मेरे को वो मिलता नहीं, फिर मैंने कहा चलो भाई फाइनली इसको एक्सेस गेट को ओपन करते हैं ठीक है, और यहाँ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है क्या है। अब फिलहाल दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ना, तो भाई इसके अंदर दोस्तों मैं जो देखता हूँ कि दो दो पेटियां पड़ी, और भाई जैसे इसको मैं खोलता हूँ 6x, मतलब भाई साहब आपको तो पता है गॉड गन प्लस 6x तवाई है। और भाई मेरा कमलेश 14, तो मैंने कहा भाई यम्मी को भी फेंक के मारो, ये मेरा कमलेश 14 चलाएंगे आज। लेकिन दोस्तों मेरा कमलेश 14 में ना भाई एक्सटेंडेड चाहिए वरना बेकार है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं दूसरी पेटी खोलता हूँ, और भाई इसके अंदर मेरे को पर्सनल वो मिल जाती है, AED मिल जाती है, मतलब भाई आपको तो पता है ये जो है भाई एक तरह से जो है आपको ऑटो रिवाइव कर देती है, मतलब ठीक है, मतलब अगर आप नॉक हो जाते हो ना तो एक अपने आपको आप ऑटो रिवाइव कर सकते हो ठीक है एक बार, मतलब ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे जो है मेरे को वो भी मिल जाता है, क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड भी मिल जाता है एम के, मतलब मेरा कमलेश 14 के लिए। तो मतलब भाई मैंने कहा चलो भाई इससे बढ़िया क्या चीज़ है, मतलब भाई मेरे को लूट यहीं पे सही मिल गई थी, और मैं चाहता था दोस्तों यहीं पे जो है कंटिन्यू गेम कर सकता था और भाई अच्छे खासे किल निकाल सकता था। लेकिन दोस्तों मेरे को जो है एक चैलेंज पूरा करना था, मुझे हिडन प्लेस जाना था, स्पॉन जाना था, और भाई वहाँ पे जो है आपको तो पता है मैं जाता किस लिए हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे वहाँ पे लूट करनी है, भाई मुझे वहाँ पे फ्लेयर गन मिलती है, और भाई फ्लेयर गन का ना एक अलग ही मजा है भाई इस गेम में मिलने का, और खासकर सोलो में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो भाई सारी लूट हो गई है, अब मुझे लग रहा था दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को रिस्पॉन कार्ड तो नहीं मिला ठीक है, मतलब मेरी किस्मत ही खराब थी, या तो पता नहीं सोलो में मिलता है नहीं मिलता, लेकिन स्क्वाड में जरूर मिलता है ठीक है। अगर आप यहाँ आओगे ना स्क्वाड में तो आपको रिस्पॉन कार्ड पक्का मिलेगा ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल मैं जो है अपना जेट पैक निकालता हूं, और भाई सीधा दोस्तों यहाँ पे जो है निकल जाता हूं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि हिडन प्लेस यानी कि स्पॉनर की तरफ में। अब फिलहाल दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ और बातें भी शेयर कर देता हूं, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता ही देता हूं कि भाई दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पता है मॉनसून का सीजन आ चुका है, और अभी भी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं ना इस टाइम भी जो है मेरी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है ठीक है, मतलब मेरे एरिया में। तो भाई मेरे को पता नहीं भाई कब मेरी लाइट चले जाए, कब क्या हो जाए, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जब मैं कल वीडियो बनाने बैठा ना तो भाई मेरी लाइट बार बार जा रही थी, और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे जो है ना मुझे वापस अपने काम पे जाना पड़ा, मतलब भाई अपनी शॉप पे जाना पड़ा, और वहीं पे अपना दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अपना कंटिन्यू काम करने शुरू कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पे दोस्तों जो है भाई बारिश का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, और भाई मैंने कमलेश की कसम भी खाई थी। नाम क्या तेरा? कमलेश। इसलिए दोस्तों अभी तक मेरे को इस गेम में एक भी कमलेश नहीं मिला। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मजाक कर रहा हूँ, ये तो मतलब भाई कमलेश तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि भाई कमलेश तो मेरे ही है, मेरी केड़ी बढ़ाएंगे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं काफी ज्यादा अपनी मंजिल के करीब आ चुका था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जोन स्टार्ट हो चुका था ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है अब देखना ये था कि उस जोन में मैं कितनी देर तक सर्वाइव करना मेरे को पड़ेगा, और कितना मेरे को भाई जो है जोन के अंदर वापस आना पड़ेगा। तो अभी तक तो दोस्तों यहाँ पर जो सब कुछ सही चल रहा था, मस्त जा रहे थे हम, और आप देखो बस क्या होता है। फिलहाल दोस्तों जेटपैक चलाते चलाते भाई मैं जो है समुद्र के पास में आ चुका था, और भाई यहाँ से दोस्तों मेरे को जो है स्पॉनर एकदम क्लियर भी दिख रहा था जैसे कि आप देख सकते हैं। और भाई जेटपैक ना मतलब भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है आपको, मतलब हाँ थोड़ा सा स्लो चलेगा ये ठीक है, और इसकी एक प्रॉब्लम ये कि ये थोड़ा सा हवा में ऊपर जाता है, और उसकी जो मीटर है ना वो डाउन हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है ये, तो इसको नीचे आना पड़ता है, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है दोबारा जो है रिफिल हो जाती है, फिर दोस्तों आप अपने आपको ऊपर ले आ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि बस ये थोड़ा सा स्लो चलता है, अदरवाइज भाई इसका जो एवरेज है ना भाई मुझे लगता है ये पूरा मैप का चक्कर मार सकता है। अच्छा, और दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं पूरा मैप का चक्कर मारूं इससे, तो भाई मुझे कमेंट कर देना, और दोस्तों यहाँ पर जो है हो सकता है मैं आपकी ये वाली इच्छा भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को पता है मैंने ऑलरेडी एक पहले भी ऐसा काम करा है जिसमें मैंने दोस्तों यहाँ पर जो है पूरे एंगल मैप का चक्कर लगाया था, तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप वो भी देख सकते हो। भाई मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब भाई किसी ने नहीं करोगे BGMI या फिर पबजी में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो जोन आता है और वो मेरी पप्पी ले लेता है, और भाई मेरी निकल जाती है टट्टी, तो मैंने कहा भाई अब यहाँ पे दोस्तों जो हेल्थ लगा के दे लेता हूँ, लेकिन मैंने देखो मैं तो हेल्थ भी लगा सकता, और मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब, अब तू गया बेटा, अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी। तो फिलहाल दोस्तों एक चीज समझ आ गई थी कि भाई ये चैलेंज काफी ज्यादा कठिन होने वाला,
वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं चलते चलते मैं अपनी हेल्थ नहीं लगा सकता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे जो जोन मेरी ज्यादा तेज पर भी लेगा तो भाई मेरी सही में निकल जाएगी टट्टी, और भाई यहाँ पर दोस्तों जो है मैं जोन के अंदर नहीं जा पाऊंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जो हिडन प्लेस यानी कि इस पॉइंट की तरफ मैं आ चुका था। और इस बार दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मैं इसको आराम से पहले देखता हूँ, मैंने कहा भाई कहाँ से लूट और पार्टी शुरू करूँ, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं इस बार पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं पास भी पड़ रहा है मेरे पास ये एरिया, तो मैंने कहा चलो भाई यहीं से शुरुआत करते हैं। तो भाई यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं आता हूँ ना तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ ये छोटा वाला घर है पीछे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो है सबसे पहले मैं कोरोना का टीका लगाता हूँ, क्योंकि अभी अभी था मैंने दो लोगों को पीटा, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं कोरोना का टीका। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कोरोना का टीका लगाया और मैंने कहा अब आराम से लूटा पार्टी करेंगे। और भाई यहाँ पे दोस्तों आते ही देखते हैं मेरे को क्या मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखते आते हैं मेरे को भाई 7.62 एमओ मिल रही थी, ठीक है। और भाई यहाँ पे दोस्तों एक और जेट पैक, मतलब भाई जेट पैक की कमी नहीं है, जेट पैक एक और है, और अगर एवरेज भी नहीं दे रहा होता तो यानी मैं यहाँ पे आके भी जेट पैक जेट पैक ले सकता था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देखते मेरे को इस वाले रूम में ना कुछ खास लूट मिली नहीं, और भाई मैं जो है ढूंढने आया था, मेन मेरा पर्पज था फ्लेयर गन का, ठीक है, क्योंकि भाई फ्लेयर गन मिलेगी तो भाई मजा ये लगा देता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को अभी तक फ्लेयर गन नहीं मिली थी, तो मैंने कहा चलो भाई पहला एरिया क्लियर हो गया, एक काम करते हैं दूसरे पे जाते हैं। फिर मैंने कहा भाई मैं पैदल गुजार रहा हूँ, मेरे पास जेट पैक है ना उड़ के जाते हैं, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं जेट पैक का यूज करता हूँ और भाई उड़ के आता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों भाई गलती से मेरा स्मोक खुल जाता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई यहाँ पे भी दोस्तों मेरे को कुछ खास लूट नहीं मिलती है, मतलब बम्बानी वम्बानी पड़ा था, काफी हर चीजें पड़ी थी लेकिन कुछ खास मेरे को दिखा नहीं। और यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है गैस कैन यानी सीएनजी पड़ी हुई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को लेवल 3 का टोपा मिल जाता है, और भाई मेरे को ना गैस कैन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि भाई जेट पैक को आप रिफिल नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब एक बार जो आ गया वही चीज है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को अभी तक ना मतलब ऐसा कुछ खास लूट नहीं मिली थी, तो मैंने कहा यार लूट अच्छी मिल नहीं रही है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं पहले पिछवाड़े को बचाते हैं अपने, ठीक है। तो भाई पिछवाड़े को बचाने के लिए चक्कू फेंक के मारता हूं और भाई पेन लगा लेता हूं पीछे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ये पेन बहुत काम की चीज है, लग रहा होगा भाई पेन क्या कर लेगा, तो भाई कई बार ना पिछवाड़े भी गोली पड़ती है और भाई ये पेन बचा लेता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है पीछे एक इमरजेंसी बैकपैक पड़ा था, ठीक है, और भाई यहाँ पे लेवल 3 का बस्ता मिल गया मेरे को, तो भाई मैंने दोस्तों इमरजेंसी पिकअप नहीं उठाया, ठीक है, मतलब क्योंकि भाई इमरजेंसी पिकअप से मेरे को जाने नहीं है, क्योंकि भाई मैं अगर जाऊंगा तो फिर वो चीटिंग हो जाएगी ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मैंने जो है डिसाइड करा कि मैं इमरजेंसी बैकपैक तो नहीं उठाऊंगा। भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को एक मैग्नेट गन मिल जाती है लोग जो कि मेरे पास ऑलरेडी थी, तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो है उसकी मेरे को जरूरत थी नहीं, फिर मैंने जेट पैक का वापस से यूज करा और मैं भाई वापस से जो है इस बिल्डिंग की तरफ मैं जो मिलिट्री बेस जैसी बिल्डिंग होती है सी बिल्डिंग इस तरफ में आया दोस्तों, और मैंने कहा यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पे ना मेरे को भाई ये था कि इस वाली बिल्डिंग में मेरे को पक्का फ्लेयर गन मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर ना इस वाली बिल्डिंग में मेरे को कई बार फ्लेयर गन मिली है, तो मैं वही देख रहा था कहाँ है फ्लेयर गन कहाँ है फ्लेयर गन, लेकिन भाई इस दोनों कमरों में तो भाई मेरे को सिर्फ एक वो मिला टोकन बस, मैंने कहा क्या था ये। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे को 3x मिला जिसको दोस्तों मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि भाई उसकी मेरे को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों मैं जो है और ढूंढता हूँ और ढूंढता हूँ, और भाई यहाँ पे दोस्तों सच बताऊँ मेरे को कुछ भी ढंग की लूट नहीं मिल रही थी, मैंने कहा भाई यार लगता है गलत आ गया, मैं गलत आ गया, और पीछे क्यूबीज भी पड़ी थी आप देख रहे हो, मतलब भाई लूट है लेकिन भाई वो वाली लूट नहीं जो मेरे को चाहिए थी, तो मैंने कहा यार लगता है मैं गलत आ गया यहाँ पे लूट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लूटा पार्टी करे जा रहा था और ढूंढे जा रहा था, भाई मैंने कहा यार फ्लेयर गन मिल जाए, बस इज्जत बच जाएगी मेरी, फ्लेयर गन मिल जाए, क्योंकि भाई इस पॉलेंट ना मेरी इज्जत जरूर रखता है, भाई मेरे को फ्लेयर गन जरूर देता है जब भी मैं आता हूँ, मतलब रिस्पेक्ट करता है भाई ये मेरी, क्योंकि मैं मेहनत करके आता हूँ तो भाई मेरे को उसका इनाम जरूर देता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं देख रहा था भाई मेरी मेहनत का इनाम किधर है, मेरी मेहनत का इनाम किधर है, भाई फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को इनाम तो नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कहा यार क्या हो रहा है ये, अब यहाँ पे दोस्तों साइकिल पड़ी है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया यहाँ पे ये लोग साइकिल को छोड़ते हैं, क्या समुद्र में साइकिल चलाऊंगा क्या। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो भाई ये लूटा पार्टी हो गई, अब एक काम करते हैं छत देख लेते हैं, क्योंकि इसकी दोस्तों अभी तक मैं छत पे नहीं गया था, तो मैंने कहा छत पे और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता छत पे मेरे को यहाँ पे जो है फ्लेयर गन मिल जाए। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है छत पे तो मेरे को भाई फ्लेयर गन नहीं मिलती है, हाँ लेकिन मेरे भाई कंटिन्यू बाहर बारिश हो रही है, तो भाई पता नहीं उसका साउंड आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरी लूटा पार्टी हो जाती है छत की भी, तो मैंने कहा चलो अभी काम करते हैं अंडे वाले घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अंडे वाले घर पे भी ना यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोगों को इजीली फ्लेयर गन मिल जाती है, और भाई मेरे को यहाँ पे भी कई बार मिली है, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना तो भाई अंडे वाले घर पे भी भाई बहुत ज्यादा फेमस है फ्लेयर गन के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ इस अंडे वाले घर में भाई आके की फ्लेयर गन है या नहीं है, फ्लेयर गन है या नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को भाई नीचे कुछ नहीं मिलता, और भाई आओ कमलेश मारो पड़ा था नीचे, मतलब भाई AKM वेकम पड़ी थी, 4x पड़ा था, लूट देखो ठीक ठाक दिख रही थी मेरे को, लेकिन भाई फ्लेयर गन नहीं मिली थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ ढूंढता हूँ, और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं ढूंढे जा रहा था और भाई फाइनली यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है फ्लेयर गन मिल जाती है तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। और भाई जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन मिली ना, तो भाई मेरी मैग्नेट वाली गन जो है ना ऑटोमेटिक हट गई, तो मैंने कहा अच्छा मतलब या तो मैं फ्लेयर गन उठा सकता हूँ या फिर दोस्तों यहाँ पे जो है मैग्नेट वाली गन उठा सकता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों फाइनली यार इज्जत रख ली भाई इस फ्रेंड ने मेरी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम होगी भाई ढूंढते ढूंढते, और भाई यहाँ पे दोस्तों मैंने इसलिए एक तकिया लगा लिया, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कहा चलो भाई आज फाइनली मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार स्पॉनलैंड की हिडन प्लेस दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो इसके ऊपर गए होंगे, तो मैं आप लोगों को जाकर दिखाता हूँ। अब हालांकि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी किसी एक वीडियो में दिखाया कि एक जगह और है स्पॉनलैंड में जहाँ
पे दोस्तों लूट मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है जल्दी से, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं मैं आज आया और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों कई बार भाई चीजें मिल जाती है, और इस पे जाने का रास्ता है भाई वो टावर, जो साइड में टावर है ना, इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं करता इसलिए यहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जेट पैक था इसलिए मैं आप लोगों को जाकर दिखा दिया। अब भाई यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बरेंडा लगाता हूँ, लेकिन भाई वो लग नहीं पाती क्योंकि पहाड़ी से नीचे गिर जाता हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा चलो आप लगाते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक बरेंडा पी रहा था और मैं देख रहा था सामने भी बिल्डिंग है, और भाई साहब यहाँ पे भी लूट मिलेगी, मतलब मैं ऐसे सोच के भाई काफी ज्यादा खुश होता। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले बाबा राम रहीम की गुफा लूटते हैं और भाई यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि भाई कई बार दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को तीन तीन फ्लेयर गन मिल चुकी है। मतलब भाई ये इतनी तगड़ी जगह ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पीछे एक स्नाइपर पड़ी थी आपने देखा होगा, और सोलो में स्नाइपर बहुत तगड़ी चीज है, लेकिन भाई मेरा मन नहीं था, मेरा मन था भाई मेरा कमलेश 14 चलाऊंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो पीछे आप देखते हैं मेरे को एटैक्स भी पड़ा हुआ मिल गया, तो मैंने कहा इसको उठा लेता हूँ ठीक है, क्योंकि ये एटैक्स का काम मेरे को बहुत आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एटैक्स उठा लिया, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को बाबा राम रहीम की गुफा में भी जो है मतलब एक स्नाइपर दिखी, एक एटैक्स दिखा, मतलब भाई देख रहे हो लूट है, बहुत तगड़ी लूट है। मतलब आप सोलो में अगर यहाँ पे आ गए ना और रैंक पुश करने लग गए तो भाई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 100% मतलब आप टॉप 10 में तो पक्का जाओगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं थोड़ी बहुत पट्टी रगड़ता हूँ ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी, और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इन बिल्डिंग की तरफ भागता हूँ। मैंने सोचा क्या पता इस बिल्डिंग में मेरे को दोस्तों यहाँ पे जो लूट मिल जाए, और यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इस बिल्डिंग में जब आता हूँ ना तो भाई मेरे को दूर से ही ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पे झाड़ू मार रखे किसी ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे झाड़ू किसी ने नहीं मारी, यहाँ पे दोस्तों लूट है ही नहीं, ये पता नहीं खामा खा ये लोग बिल्डिंग बना देते और यहाँ पे दोस्तों लूट छोड़ देते नहीं है। मतलब भाई स्पॉनर पे भी बिल्डिंग बनाते ही हो तुम, मत बनाया करो भाई अगर लूट नहीं देनी, मतलब मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, क्योंकि भाई मैं वैसे चैलेंज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तो जाने सकता हूँ, मेरे को जेट पैक से जाना, और आप देखते जोन काफी छोटा हो जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो है फाइनली इस केव की तरफ आता हूँ छोटी सी, और यहाँ पे चेक करता हूँ भाई यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देखते हैं M14 द गॉड गन पड़ी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है इस बार भी दोस्तों यहाँ पे जो मतलब इस वाले इवेंट में भी ना आप लोगों को अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। और भाई ये पता नहीं क्या हुआ मैं वापस आ गया गलती से यहाँ पे, मतलब कुछ मेरा नेट का इशू आया था। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरी लूट पूरी हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो भाई एक फटाफट पहले एक तकिया लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है भाई सीधा जोन में निकलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दोस्तों मैं हेल्थ नहीं लगा पाऊंगा, आपको तो पता है एक बार जेट पैक उड़ा दिया तो मैं हेल्थ नहीं लगा सकता, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को फटाफट से ये समुद्र ना पार करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ना मेरी हेल्थ खत्म हो गई थी क्योंकि मैंने हेल्थ उठाई नहीं थी, भाई बैग में जगह कम होती है आपको तो पता ही, और भाई जेट पैक ना बहुत ज्यादा जगह लेता भाई बैग में, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं वापस आया और मैंने कहा भाई अब मेरी ना हेल्थ मैंने यूज कर ली है, तो मैं यहाँ से 2-3 तकिए उठा लेता हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं तकिए उठाने आता हूँ वापस से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बैग में जगह भर रही थी, मतलब मैंने कुछ इतना खास उठाया भी नहीं रखा है, और भाई फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो बैग में जगह भर रही थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने थोड़ा बहुत बम्बानी फेंका बाहर, और मैंने कहा चलो भाई और भी कुछ फेंक दूंगा, लेकिन भाई तकिए उठाने बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तकिए ज्यादा नहीं हुए ना तो भाई मेरी पेटी बन जाएगी हवा में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने भाई फटाफट से जो है तकिए उठाए, और यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने मरने से पहले आखिरी पूरी करी, पेप्सी की 2-2 घूट भर ली एक नहीं, क्योंकि मेरे को पता था मैं जो है समुद्र के अंदर जाऊंगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं हेल्थ वेल लगा नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ी बहुत पट्टी रगड़ ली ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी, तो यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने एक पट्टी पट्टी रगड़ी, और उसके दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सीधा जेट पैक लेके जो है सीधा निकल गया जोन की तरफ में। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं ऑलमोस्ट आधा समुद्र पार कर गया था, और यहाँ पे दोस्तों जो है मेरे को जमीन भी नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना बस एक प्रॉब्लम है जेट पैक की, भाई थोड़ा स्लो चलता है, और यहाँ पे दोस्तों जो है ना मैं देख रहा था भाई जोन भी जो है काफी ज्यादा श्रिंक हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, और यहाँ पे दोस्तों मेरे अलावा भी 18 बंदे पूरे जोन में बचे थे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा चलो भाई अच्छा मौका है, फटाफट से दोस्तों जोन में जाते हैं और भाई फ्लेयर गन को चलाते हैं, और भाई AWWM मंगाते हैं, मतलब भाई आपको तो पता है मेरी AWWM कितनी फेवरेट है भाई सोलो में। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे प्लान तो ये था कि भाई मेरे को एक स्नाइपर मिल जाएगी बढ़िया सी AWWM मिल जाएगी, और बंदों की पट से हेडशॉट मार मार के टटे निकाल दूंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आप जैसे कि देख सकते हैं भाई मैं हेल्थ नहीं लगा सकता हूं, और भाई मेरी हेल्थ काफी ज्यादा तेजी से जा रही थी, तो मैंने कहा अरे भाई मैं मर ना जाऊं फैल, तो भाई फटाफट से जोन में पहुंचता हूं और फिर देखूंगा फ्लेयर गन चला भी पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। मतलब भाई साहब क्योंकि सोलो में ना आप लोगों को बता दूं इतनी खतरनाक कैंपिंग होती है ना, मतलब इतने खतरनाक लोग होते हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं, मतलब सोलो ना सबसे डिफिकल्ट गेम होता है, मतलब आप लोग बोलोगे नहीं गौरव भाई ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग सोलो खेल चुके हैं ना उनको पता होगा कि सोलो में ना ऐसे हार्ट बीट तेज रहती है आपकी धक 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 धक, क्योंकि भाई बंदा पता नहीं कहां से आ जाए क्या कर दे, मतलब कैंपर की कोई मतलब वो होते ना जो मतलब बोलते हैं एक बेशर्मी, वो उससे भी ऊपर आपको लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मैं जोन के अंदर आ चुका था, और भाई यहाँ पे दोस्तों मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से ना पहले कहीं रुकते हैं और भाई अपनी हेल्थ लगाते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला है कि सोलो काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, अब उसका रीज़न मैं आपको एक और बताता हूँ। देखो जैसे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो वो भी कठिन नहीं है, आप डुओ खेल रहे हो वो भी कठिन नहीं है, अब आप सोचोगे फिर सोलो ही क्यों कठिन है। देखो सोलो में क्या होता है, आप भी अकेले होते हो मैं भी अकेला होता हूँ, जैसे आप गेम खेल रहे हो ठीक है, तो उसमें क्या है ना दोस्तों सब अपना अपना गेम देख रहे होते, किसी को किसी से मतलब नहीं है ठीक है। मतलब अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो मान लो और मैं सोलो खेल रहा हूं ठीक है, तो मेरा क्या ध्यान रहेगा कि आपकी स्क्वाड का कोई मेंबर गलती करेगा और मैं चारों को क्लच कर दूंगा ठीक है। मतलब
मैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन सोलो में कोई प्रेशर नहीं होता किसी के ऊपर, सोलो में सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। तो भाई मैं किसी पेड़ के पीछे जाके बैठ जाऊं, चाहे मैं कुछ करूं, चाहे मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाऊं और मैं हिलू ही ना, जब बंदा है तभी मारूं, मतलब तभी बाहर निकलूं। तो भाई ऐसी चीजें होती है। फिलहाल दोस्तों यहां पर जो है मैंने हेल्थ यहां पर पूरी लगाई और भाई फाइनली दोस्तों यहां पर जो है मैं वापस से जोन की तरफ जाने लगा, क्योंकि दोस्तों अभी मेरा चैलेंज पूरा नहीं होता जब तक मैं व्हाइट सर्कल के अंदर नहीं आ जाऊंगा ना, तब तक मेरा चैलेंज पूरा नहीं होगा। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हैं मैं ऑलमोस्ट जो है पहुंचने ही वाला था व्हाइट सर्कल की तरफ में, और उससे दोस्तों यहां पर जो है मेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा। और भाई यहां पर दोस्तों मेरे को फ्लेयर गन भी चलाने थी, इसलिए दोस्तों यहां पर जो है पहले मैंने डिसाइड किया था मैं प्रिजन में चलाऊंगा, लेकिन मेरे को सामने ना ये वाले घर दिखते हैं और मैंने कहा यार यहीं चला देता हूं, देखा जाएगा। भाई पता नहीं सेंटर में चलाया तो भाई हर जगह से मेरा सैंडविच हो जाएगा और भाई पता नहीं मेरा गेम खराब भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों यहां पर जो मैंने रिस्क नहीं लिया। और फिर दोस्तों यहां पर मैं आया और भाई मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और बोला AWM प्लीज जादू AWM दुला दियो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने चीट कोड डाल दिया था और मैंने जादू को बोल दिया था AWM दुला दियो। अब देखना दोस्तों यहाँ पे ये था कि मेरे को जादू AWM दुलाता है या नहीं दुलाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस वाले घर के ऊपर आके कैंपिंग करता हूँ मस्त। मैंने कहा अब कोई आए मेरे फ्लेयर गन लूटने, भाई साहब ऐसी चोटी रगड़ूंगा ना, ऐसी चोटी रगड़ूंगा वो भाई याद रखेगा। ध्यान रखिए बब्बई दयाता। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं चुपचाप लेट गया और भाई वेट कर रहा था कि कोई एनिमी आए और उसकी मैं चोटी रगड़ दूं, मतलब भाई मेरी फ्लेयर गन पे गंदी ने दिखाने कोई ना कोई तो आएगा मुझे पता था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं बैठ के चुपचाप देख रहा था, इतने में कोई एक बंदा दिखता है। अब भाई साहब सच बताऊं उसकी हरकतें कमलेश जैसी थी, लेकिन भाई ये विमलेश था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको जैसे ही मारता हूँ ना, तो भाई मैंने इसके हाथ में देख ली थी MG3 Lite स्लाइ मशीन। मैंने कहा इसको तो उठाऊंगा भाई, स्लाइ मशीन का ले रहा है ये। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अपना मेरा कमलेश 14 छोड़ के मारी और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है स्लाइ मशीन गन उठा ली, क्योंकि भाई स्लाइ मशीन गन ना एकदम मतलब भाई खतरनाक गन है, इससे खतरनाक गन कोई है ही नहीं भाई, बंदों को सील देती है ये। और भाई सोलो में मिल जाती है सच्ची क्या चीज है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने भाई फटाफट से यहाँ पे दोस्तों जो है स्लाइ मशीन गन ली और मैं वापस से दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर जाता हूँ और मस्त कैम करता हूँ। और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है भी आने वाला था, तो भाई 1.5 मिनट थे मेरे पास, इतने में मेरे को दोस्तों यहाँ पे जो भी कर रहा था मतलब मेरी फ्लेयर गन आ जाए भाई फटाफट से लूट के यहाँ से निकल जाऊं मैं, मेरे दिमाग में ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेरी फ्लेयर गन तो अभी तक नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो भाई वेट करते हैं कोई बंदा ही आ जाए। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं देख रहा था मेरी जो है फ्लेयर गन आने वाली थी, मतलब नीचे भाई जो है मेरा ड्रॉप आने वाला था, लेकिन इतने में दोस्तों यहाँ पे जो है ना अब देखना मेरे को एक बंदा भी दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है मैं फटाफट से दोस्तों यहाँ पे जो चूरन की स्पीड से जा रहा होता हूँ, मैंने कहा चलो भाई फटाफट से दोस्तों यहाँ पे जो है लूटा पाटी कर देखते हैं और क्या निकलता है इसके अंदर देखते हैं। और जैसे दोस्तों मैं ड्रॉप खोलता हूँ, अरे यार जादू क्या कर दिया तूने, तेरे मुंह पे पादू पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को AMR दे दी उसने। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेरा मन तो था AMR लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार AMR मेरे को खासकर पता नहीं इतनी पसंद आती नहीं है, तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से जो है वापस जेट पैक पे बैठते हैं और पहले ऊपर जाता हूँ, पहले अपने आपको सेट करता हूँ फिर निकलता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब मैं जा रहा होता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ भाई सामने मेरे को एक गाड़ी दिख गई है और ये वाला बंदा मेरी फ्लेयर पे गंदी दिखाने आया था। तो मैंने कहा जिंदगी दो पल की गाड़ी लेके आया, तेरे को शर्म नहीं आ रही? अब देख तू। और भाई साहब मैंने इसको इतना डैमेज दिया लेकिन भाई ये बच गया और भाई इसकी गाड़ी से धुआं निकल चुका था और भाई साहब ये खतरों का खिलाड़ी था, मतलब भाई साहब उसी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा। तो मैंने कहा यार इसको मारूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं भाई कूद जाता हूँ उसको मारने के लिए। और मैंने बहुत ट्राई किया भाई इसको मारने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये बच जाता है, तो मैंने कहा भाई छोड़ूंगा नहीं तो मेरा फ्लेयर गन लूट रहे हैं, मेरी फ्लेयर गन लूट रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं जेट पैक का यूज करता हूँ और भाई इसका पीछा करने भाग जाता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों मुझे दिख गया था वो ना यहीं पर रुक चुका है, ठीक है आप देख सकते हैं जैसे कि गाड़ी लेके, तो मैंने कहा चलो उसको यहीं से मारूंगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इस वाले घर के ऊपर चढ़ने कुछ करता हूँ और मैं देखता हूँ वो ऑरेंज वाली टैक्सी लेके भाग रहा है। ओए मजदूर रुक जा। और भाई साहब मैंने इतना डैमेज दिया जैसे कि आप देख सकते हो भाई साहब, अरे भाई मेरे शेर मेरे सर के ऊपर चढ़ रहा है, क्या कर रहा है तू, तूने मेरा एम बिगाड़ा है तूने, गाइस इसने मेरा एम बिगाड़ा है, मेरा एम में खराबी नहीं थी इसके, ये जो मेरे शेर था ना मेरे सर के ऊपर चढ़ गया, मेरे टांट के ऊपर चढ़ गया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो जोन मेरी पप्पी लेता है, तो मैंने कहा पहले मेरी टट्टी निकल जाए भाई फटाफट से दोस्तों यहाँ पे जो जोन में निकलते हैं, क्योंकि भाई अब जो जोन था ना भाई वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका था और बहुत ज्यादा तेजी से हेल्थ खा रहा था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं जेट पैक लेके ना उस बंदे को आगे ढूंढने निकल पड़ता हूँ। मैंने सोचा भाई उसको मारूंगा जरूर, भाई बच कैसे गया, वो भगवान का बेटा था क्या था, मेरे को समझ नहीं आया भाई वो, मतलब भाई इतना मारा मैंने उसको, पहले खूब मारा फिर दोबारा मारा, भाई पता नहीं वो बच कैसे गया, पता नहीं भाई कौन सी वेस्ट लेके बैठा था, लेवल 10 बैठा था भाई मेरे को लग रहा है वेस्ट लेके वो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इस तरफ आता हूँ ये पत्थरों की तरफ ना प्रिजन की तरफ में, मैंने कहा क्या पता यहाँ पे दोस्तों जो है पहले अपनी हीलिंग विलिंग पूरी करते हैं और फिर देखते हैं बंदे को। तो भाई मैंने मरने से पहले आर्ची पूरी करी और पेप्सी घुट मारी और भाई मेरी ना हार्ट बीट अब तेज हो चुकी थी, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि भाई सोलो है, मैंने आप लोगों को बताया कैंपिंग बहुत चलती है और भाई मेरी ना स्लाई मशीन गन में भी सिर्फ 28 एमओ रह गई थी। मैंने कहा अरे यार सारे एमओ वेस्ट करा दी, कुछ लूट भी नहीं पाया मजदूर गई का। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना अब मैंने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, तो भाई मैंने जेटपैक का यूज करा और मैं जो है ना आगे बढ़ने लगा। और अब देखो
अब फिलहाल दोस्तों इस सामने ना मेरे को एक सरकारी ड्रॉप दिखता है और आपको तो पता सरकारी ड्रॉप और सरकारी जॉब कोई छोड़ता नहीं है, तो मैं भी अपनी गंदी दिखाने जा ही रहा होता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे को ना साइड से फायर आता है, मतलब ठीक है ओपन से, तो मैंने कहा यार कहीं तो बंदा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों झांकने भी जाता हूँ कहाँ पे बंदा कहाँ पे। और भाई मेरा ना हल्का हल्का गेम ब्लैक भी करने लगा था जैसे कि आप देख सकते हैं, तो भाई मेरे को बंदा दिख नहीं रहता, लेकिन मेरे को इतना पता था भाई उस साइड से फायर है तो कहीं ना कहीं बंदा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मैं बंदा ढूंढने निकल पड़ता हूँ और अब देखो मेरे को बंदा दिखेगा भाई। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को आप देख सकते हैं बंदा दिख चुका था, तो यहाँ पे दोस्तों मैं उसको मारने जा ही रहता हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला है ना सोलो में बहुत खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं, तो बस आप देखते जाना, मेरा दिमाग खराब होने वाला है बस, अभी आप देखते जाना। मतलब भाई इतना अच्छा मैच जा रहा था, 3 किल हो चुके थे और मैं चिकेटर निकाल के भाई मतलब मस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता था, मतलब कह सकते हो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल रहे हो कुछ भी बोल लो, लेकिन मुझे पीछे बंदा दिखता है और जो वाली टैक्सी वाला, और शायद वही बंदा था जिसको दोस्तों यहाँ पे जो मैं जिसको मैं दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत देर से मारने की कोशिश कर रहा था। और भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैं इसको मार भी देता हूँ मिस्टर ठाकुर। अरे फिर पड़े आप ना बताओ गुंडा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं इसको मारता हूँ तो भाई यहाँ पे दोस्तों मैं देखता हूँ भाई मेरे ऊपर कहाँ से फायर आया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे भाई एकदम से डर जाता हूँ और मुझे लगता है पहले नीचे बंदा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैं हड़बड़ा में नीचे बोली जैसे मारता हूँ ना तो मुझे दिख जाता है ऊपर बंदा है यार शिट। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं ऊपर मारता ही हूँ, लेकिन भाई दोस्तों यहाँ पे जो मेरे लग जाता है आज कोरोना का गड़बड़ काढ़ा और भाई आज तो मेरे मुंह से आवाज निकल जाती है अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मेरे भाई टट्टी निकलते हैं ना भाई वो बंदा देखता है इसके पास तो सेल्फ रिवाइव है, तो भाई यार मैं लगा ही रहता हूँ, लेकिन भाई सब गंदी नियत दिखा के सिलाई मशीन से भाई मेरे को मारने आ जाता है यार मजदूर कैंपर। अब फिलहाल दोस्तों आपने देख लिया मतलब इतनी गंदे गंदे लोग होते हैं ना भाई, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आपने देख लिया ना, मैंने आप लोगों को बताया ना सोलो में सबसे गंदे गंदे कैंपर होते हैं भाई, घर के ऊपर चुपचाप से बैठा हुआ था यार मजदूर, मतलब फायर भी नहीं कर रहा, मैं उस बंदे को पूरा मार गया उसके बाद फायर कर रहा है, अरे खतरनाक लोग हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और आप जिसमें फॉलो नहीं कर रहे फटाफट से फॉलो कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।